नमस्कार, सिटी अपडेट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि जो 17 नवंबर को चुनाव होना, मतदान होना है और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आना है। तो इसके लिए आज जो कैरा विधानसभा है, जो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हर बार यह होता है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस का विधायक होगा तो बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी का विधायक होगा तो कांग्रेस सरकार होगी, ऐसा चलता देखा गया है यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर आज नामांकन फॉर्म भरा है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो पहले से भी विधायक हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं और उनको द्वारा कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है, उनको द्वारा टिकट दिया गया है, उन्होंने आज नामांकन फॉर्म भरा है। पहले तो आपका सिटी अपडेट में स्वागत है। जो आज आपने नामांकन फॉर्म भरा है तो कितनी जनसंख्या थी आपकी? देखो, मैं तो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता हूं। पहले भी हमारी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे, पहले राजा साहब ने मुझे टिकट दिया पार्टी से, तो सारी जनता का सर्वे ये था कि परागी लाल को चुनाव लड़ने चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे, मेरी जनता ने, मेरी भगवान है, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया मुझे। जैसा कि मालूम होगा कि पहले भी आपका कभी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई थी, लेटर पेड वायरल हुआ था कि 35 जो कर्मचारी थे उनको हटाने के लिए, जो मतलब समर्थन कर रहे थे किसी का, उसको हटाने के लेटर जारी हुआ था, उस पर क्या कहोगे? ना तो मेरा कोई लेटर था, ना मैंने कोई लिखा था, फर्जी लोग थे और फर्जी लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कलेक्टर साहब को बताया, एजीएम साहब को बताया कि मेरा कोई लेटर नहीं है और इसका मैं खंडन करता हूँ। मेरा कोई कर्मचारी बेचारा किसी का कोई पार्टी दल का काम नहीं कर रहा है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने कलेक्टर साहब को बता दूँ, उसका खंडन करवाया मैंने और मैंने उनको बयानबाजी की कि मेरा कोई लेटर नहीं है, ना कोई लेटर किसी को लगाऊंगा मैं। भाजपा पार्टी के जो नेता हैं, लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुंडागर्दी चलती है, गुंडाराज चलता है। और शिवराज सिंह चौहान ने भी, आपने भी पहले वीडियो में देखा होगा, उन्होंने बोला है कि कमलनाथ कपड़ा फार्स कमलनाथ है, इस पर क्या कहोगे? अब तुम बताओ, बिना सबको पता है गुंडाराज हमारा बे आदमी बाप है बेचारे, में मूत्र ठाड़े हो गए। गुंडराज उनका है कि कांग्रेस वालों का है, बताओ? भाजपा के लोग, भाजपा के लोग ये आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, तो गुंडा भाजपा के कांग्रेस के? कांग्रेस के बजाय किसी को गुंडा की वृद्धि नहीं करते, पैर छूते हैं, सबसे वोट मांगते हैं, नम्र निवेदन करते हैं वो लोग। अभी आपने जो कहरा विधानसभा भ्रमण कर रहे होंगे, जनता के बीच जा रहे होंगे, आप समर्थन कर रहे हैं, समर्थन में रैलियां भी निकल रही होंगी आपकी, तो जनता के बीच ऐसे क्या मुद्दे दिख रहे होंगे, जनता की समस्या क्या है, जो मेन समस्या आपने टारगेट की हो कि इन समस्याओं को हमको हल करना है, या आपको विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, आप जीत कर आते हो विधानसभा में, क्या समस्याओं को हल करोगे? देखिए, अभी मुझे 3 वर्ष का समय मिला, 3 वर्ष में उसमें कोरोना भी था, मैंने कोरोना के समय काल में मैंने उनका भी जो मदद की थी वो भी की, कहीं हेडपम्प लगाना था वो भी हेडपम्प लगवाए मैंने, कहीं पुलियां हैं, रोड है जो छोटे छोटे मैंने कराए हैं, क्योंकि प्रतिशाला सरकार मेरी थी नहीं। अब हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने जो पहले लोगों को किसानों के कर्ज माफ़ किए थे, बिजली के बिल माफ किए थे, गौशाला बनवाई थी, जो भी सारी योजना कराई थी, अब वही प्रयास है। हम लोग जनता का, सब पब्लिक का आशीर्वाद मेरे ऊपर हुआ है और हमारी सरकार बन रही है, तो हम जो पूरे वादे जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे वादे होंगे और सारे वादे करेंगे। हम लोग ऐसी पब्लिक में हम लोग कहते हैं, सब लोग खुशी से खुशी हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी जब हम लोगों का भला होगा। शिवपुरी जिला बेरोजगारी से विलीन है, मतलब बेरोजगारी में लिप्त हुआ है, इसमें बहुत शिक्षा की स्थिति भी खराब है। सीएमराज जो मध्य प्रदेश की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, तो उसमें सीएमराज स्कूल खोले गए, शिक्षा व्यवस्था खराब थी, तो क्या आपकी सरकार बनती है 2023-24 में तो किन समस्याओं को हल करोगे, शिक्षा के साथ सुधरेगा कि ऐसा ही रहेगा? देखिए, जो जो बच्चे हैं हमारे, जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा के कई, उनके ज़माने में तो कई स्कूल खत्म हो गए, टूटे फूटे पड़े हैं, वहाँ कुल बेचारे छतरी के नीचे वो सो रहे हैं, वो बैठे हैं मास्टर। हम लोग उनको क्षतिग्रस्त, उनको बिल्डिंगें सही कराएंगे, यथावत मास्टरों को अपना मास्टर पहुँचाएंगे, उनके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, जो हमारा पुरानी पेंशन जो भी हम करवाएंगे। कहरा की एक समस्या है कि जो कृषि उपज मंडी है ना, अब किसानों को विक्रय फसल करना है, ये मंडी क्यों अभी तक बंद है? आप यहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि हो, विधायक हो, और द्वारा भी पार्टी ने विश्वास जताया है, तो ये मंडी क्यों बंद है? जनता का कहना है कि जब विधायक हमारी क्षेत्र का है, मंडी अभी तक बंद है, दूसरे क्षेत्र में हमको ले जाना पड़ रहा है, दूसरे नगर में ले जाना पड़ रहा है बेचने के लिए, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इस पर क्या कहोगे? ये मंडी बंद है, मंडी चालू होगी, नल बंद है, नल चालू होंगे, हेडपम्प खराब है, वो सब होगा। अभी तुम एक महीने की देरी है, हमारी पार्टी की सरकार बन रही है, हमारे नेता ऊपर से लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, उनकी समस्या सुने, हम लोग समस्या जो हम रखेंगे
तो हमारे नेता हमारी बात सुनेंगे और लोगों का भला करेंगे। अपोजिट पार्टी के जो रमेश कटिक है वो आपके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है रमेश कटिक आपका मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं? अरे उनका मुझे क्या लेना है, हमारी तो लड़ने वाले तो ये करें, जो मुकाबला करने वाले पहले किया तो आज ये करेंगे, उनको सब पता है पब्लिक को ये क्या कर रहे हैं। तो कितना कितना मानते हैं, कितना बहुत? अरे मैं तो पहले 30 से जीता, 50 से और जीता, मैं तो 1,00,000 जीतने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में जो कांग्रेस के विधायक परागी लाल जाटव थे, उनका कहना है कि जो जनता की समस्या है, अभी तो हमारी सरकार नहीं थी लेकिन इस बार अगर सरकार बनती है, जनता की समस्या है, बेरोजगारी, शिक्षा जैसी भी कई योजना है, और सबसे पहला है शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर सुधरेगी यदि इनको मौका मिलता है, द्वारा यहाँ पर मौका दिया जाता है, जनता के द्वारा मौका दिया जाता है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करेंगे। और मेन समस्या थी जो आपने सुना देखा होगा कि कैरा में जो मंडी है, कृषि उपज मंडी है, किसानों को परेशान होना पड़ता है, तो उनका कहना है कि जब यहाँ पर द्वारा हमारी सरकार बनती है यहाँ पर कैरा से विधायक बनता हूँ, तो